के भी आप वीडियो पहले देखें, आप उस तरह के वीडियो जो है किसी भी वीडियो में अपना फोटो बैकग्राउंड में कैसे लगा सकते हैं, सबसे आसान तरीका। आप लोग जो है हमारे वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, अभी तक हमारे जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिए, और नए आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे पहले आपको काइन मास्टर जो है ओपन करना है। आपको जो है यदि आपको पास जो है काइन मास्टर नहीं है तो आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, आप हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, आपको जो है आप देख सकते हैं प्लस का चिन्ह है, तो इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है तीन आ जाएंगे। इसमें से आपको बीच वाला 9:16 को ले लेना है, क्योंकि टिकटॉक वीडियो जो है इसी पर बनता है ना है। जो है आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड दिख जाएगा, ठीक। बैकग्राउंड पर जाकर आप यहाँ से इतना बैकग्राउंड ढेर सारे आ गए हैं तो आप इसमें से कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो। तो मैं बताने के लिए जो है आपको वाइड बैकग्राउंड लेके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसका मैं जो है ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ, अपने अनुसार बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं हमारा जो है बैकग्राउंड ले लिए हम। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जो है लेयर दिखेगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं लेयर दिखेगा, लेयर पर क्लिक करने हैं। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको मीडिया पर जाना है। मीडिया पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आप वो वीडियो, जिस वीडियो पर जो है आप लगाना चाहते हैं अपना जो है उसके ले लेना है, ठीक। उसको आप देख सकते हैं, तो मैं वीडियो को जो है डाउनलोड करके रखा। अभी तक आप जो है इस वीडियो को डाउनलोड नहीं किए तो हमारे टिकटॉक आईडी अजय टेक हिंदी पर जो है डाल दिया हूँ, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद आप आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है एरो का है ये, इस पर आपको फूल कर देना है। इसको पकड़ के आपको खींच कर देख सकते हैं तो हमारे जो है पूरा फूल हो गया। अब आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं आप ओके किया। अब आपको जो है वीडियो वाले पर इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद वीडियो को जो है क्रोमा की जो है आप देख सकते हैं ये जो कलर है बैकग्राउंड का कलर क्रोमा की में एडजस्ट करना है, ठीक। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्रोमा की है, तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर कलर ले लेना है। आप देख सकते हैं जिस तरह से आपका जो है बैकग्राउंड है उसके अनुसार जो है आप ले सकते हैं, ठीक। देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड के अनुसार ले लिया। अब इसको जो है हमको ऑन कर देना है, ठीक। ऑन कर दिए तो यहाँ पर आपको जो है एडजस्ट कर देना है अच्छी तरह से, वीडियो को जो है कोई दिक्कत ना हो पाए, ठीक। अब आपको जो है ओके करने के बाद आपको जो है फिर यहाँ पर लेयर पर जाना है। अब आपको जो लगाना है फ़ोटो, आपको वो फ़ोटो लेना है। तो आप देख सकते हैं मीडिया पर गए, मीडिया पर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक फ़ोटो है, तो मैं जो है यहाँ पर एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो देखिए मैं जो है ये फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक। ये फ़ोटो मैंने लिया, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया। अब इसको जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करके जो है पूरा लगा देना है वीडियो के जो है ऊपर। आप देख सकते हैं मैंने जो है एडजस्ट कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया। तो आपको अब यहाँ ओके करना है। अब उसके बाद जो है आपको क्रोमा की जो है यहाँ पर आपको क्रोमा की ऑन कर देना है, ठीक। कर दिए, उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 डॉट जो है, आप एक मिनट देखिएगा, आपको जो है यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, ठीक। अब देखिएगा आप जो है आपको यहाँ पर एक 3 डॉट दिख रहा होगा, तो आप जो है यहाँ पर आपको करना है। उसके बाद आपको पहला सेंड टू बैक करना है। आप जैसे सेंड टू बैक करेंगे आपका जो है फ़ोटो आप देख सकते हैं जो है बैक में हो गया। अब आपको जो है अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक। अब आप देख सकते हैं जो है वीडियो पर चले जाइएगा, क्रोमा की जो है एडजस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है अच्छी तरह से जो है फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है, ठीक। आप एकदम ये आप देखिएगा, ठीक। आप देखिए हमारा जो है एकदम अच्छी तरह से बन गया, यहाँ पर भी जो है एकदम अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी हो गया, ठीक। अब देखिएगा आप, ठीक। अब देखिएगा जो है एकदम अच्छे तरह से मेरा बन गया ये, देखिए। चलिए मैं चला के देख सक देखिए मेरा फ़ोटो जो है यहाँ पर जो है एकदम अच्छे तरह से। आपको जो है फ़ोटो थोड़ा सा बढ़ा लेना है, क्योंकि फ़ोटो ये छोटा है, ठीक। आप देख सकते हैं इसके अनुसार जो है तीनों एक बराबर आ गए हैं, ठीक। एकदम अच्छे से कर लेना। इसके बाद देखिए आपका जो है ये फ़ोटो जो है ये थोड़ा सा आप देखिए एकदम जो है बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है आपका ये जो बैकग्राउंड बढ़ा हुआ है आप ये देखिएगा, जो ये बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आपको बैकग्राउंड बढ़ाए उस पर क्लिक करिए। उसके बाद कैंची पर जाइए, उसके बाद राइट टू
यहाँ पर ये वाला क्लिक करके काट दिए, देखिए एकदम सेम बराबर आ गया। आप चलिए वीडियो को हम लोग थोड़ा देख सकते हैं, जो है हमारा इस तरह से वीडियो बन गया है। ठीक, इस तरह से जो है आपका फोटो बैकग्राउंड जो है लग गया, अब आपका वीडियो बन गया। अब आपको करना क्या है, आपको इस पर करना है, उसके बाद जैसे करेंगे आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर शेयर आपका जो है शेयर बटन देख रहे हैं ना, इस पर क्लिक करेंगे। आपको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्स जो है एक्सपोर्ट दिख जाएगा, देख रहे हैं ना। इस तरह से आप जो है यहाँ पर क्लिक करके फुल HD में जो है, ज़्यादा नहीं बना आपका जो है 2 MB का केवल बना, इतना आसान से आप जो है इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। ठीक, देखिए मैंने जैसे किया इतना जल्दी से हमारा एक्सपोर्ट हो गया। इस तरह से आप कर लीजिएगा, उसके बाद नहीं किया यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा जरूर मेरे प्यारे में। तो क्या फ्रेंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।